Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका testbook.com में। बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑडिटर की पोस्ट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है। बिहार पंचायत ऑडिट सर्विस में ऑडिटर की पोस्ट लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस नोटिफिकेशन में, क्या है इस नोटिफिकेशन की डिटेल्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, इस नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन है वो 21 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होगा, यानी 21 अक्टूबर 2020 से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 18 नवंबर 2020, यानी 21 अक्टूबर 2020 से 18 नवंबर 2020 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे। तो ये बात होगी इंपॉर्टेंट डेट्स की। फिर हम बात करते हैं वैकेंसी काउंट की, वैकेंसी काउंट क्या है इसके लिए। तो देखिए, वैकेंसी काउंट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 150 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 37 वैकेंसीज हैं, एससी कैटेगरी के लिए 59 वैकेंसीज हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसीज हैं, ईबीसी कैटेगरी के लिए 67 वैकेंसीज हैं, बीसी कैटेगरी के लिए 45 वैकेंसीज हैं, बीसी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 11 वैकेंसीज हैं। इस तरह से टोटल 373 वैकेंसीज निकली हुई हैं। और हर कैटेगरी में जो 35% वैकेंसीज हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी में 150 में से 53 वैकेंसीज जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस में 11 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, एससी में 22 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, एसटी में 1 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, ईबीसी में 24 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, बीसी में 15 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। और टोटल 373 में से 126 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये आपका वैकेंसी काउंट हो गया। ओवरऑल जो वैकेंसी काउंट है वो है 373 वैकेंसीज। फिर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो अगर एज लिमिट की बात की जाए तो सभी कैटेगरी के लिए जो मिनिमम एज है वो है 21 इयर्स, 21 साल मिनिमम एज है सभी कैटेगरी के लिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 37 इयर्स, और अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 40 इयर्स, और मैक्सिमम एज ओबीसी कैटेगरी के लिए है 40 इयर्स, और मैक्सिमम एज एससी एसटी कैटेगरी के लिए 42 इयर्स। तो ये आपकी एज लिमिट हो गई, मिनिमम एज 21 इयर्स है सभी के लिए। फिर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, या फिर इकोनॉमिक्स में, या फिर स्टैटिस्टिक्स में, या फिर मैथमेटिक्स में, या फिर और आपके पास एमबीए, सीए या फिर ICWA की डिग्री है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है एप्लीकेशन फी। तो जनरल जो कैंडिडेट्स हैं, जो सामान्य अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 600 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स जो बिहार स्टेट के हैं उनके लिए 150 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपए की एप्लीकेशन फीस है, और जो बाकी अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600 रुपए की एप्लीकेशन फीस यहां पर रखी गई है। फिर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके तीन फेज है। पहला आपका प्रारंभिक परीक्षा, प्राइमरी एग्जाम है आपका, फिर आपका रिटेन एग्जाम है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू है। तो तीन फेज की आपकी ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। तो ये थे नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम आपको एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा देते हैं जो रिलीज हुआ है। तो अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, रिलीज क्या है। तो देखिए, यहाँ पर जो मैंने आपको वैकेंसी काउंट बताया था वो ये रहा। देखिए, अनारक्षित कैटेगरी 150 वैकेंसीज हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसको ईडब्ल्यूएस बोलते हैं उसके लिए 37 वैकेंसीज हैं, अनुसूचित जाति के लिए 59, अनुसूचित जनजाति 4 वैकेंसीज हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 67 वैकेंसीज हैं, पिछड़ा वर्ग 45, और पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए 11 वैकेंसीज हैं। इस तरह से टोटल 373 वैकेंसीज हैं। फिर देखिए, मैं चयन प्रक्रिया आपको बताई थी, सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए उसके लिए क्या यहाँ पर, वो भी देखिए यहाँ पर मेंशन है। चयन प्रक्रिया भी देखिए इसके क्या है, तीन देखिए पार्ट है यहाँ पर। प्रारंभिक परीक्षा जिसको हमने प्राइमरी एग्जाम, फिर लिखित परीक्षा है रिटेन एग्जाम, और फिर आपका साक्षात्कार जिसको हम इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं। तो ये आपका देखिए सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। जो प्रारंभिक परीक्षा है वो आपके सामान्य अध्ययन की होगी, जनरल नॉलेज की आपकी होगी, जिसके जो क्वेश्चन है वो वास्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, बहुविकल्पी होंगे, 2 घंटे का आपका वो पेपर होगा और कुल 150 अंक होंगे।
उसके बाद जो कैंडिडेट्स प्राइमरी परीक्षा में जो प्रारंभिक परीक्षा सफल हो जाते हैं उनको लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये लिखित परीक्षा का देखिए पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पर। लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें 2 विषय जो आपके हैं वो कंपलसरी होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी तथा सामान्य अध्ययन। प्रत्येक पत्र 300 अंकों के होंगे। तो ये आपका देखिए हो गया लिखित परीक्षा। उसके बाद आपका 120 अंकों का इंटरव्यू होगा। फिर हम बात करते हैं सैलरी की। तो जो आपका पे बैंड है वो 5200 से 20200 है और आपका जो ग्रेड पे है वो 2800 रहेगा, यानी पे लेवल 5 में आप आएंगे। फिर देखिए यहाँ पर एज लिमिट भी दी हुई है। तो एज लिमिट क्या है, 1/8/2020 को जो आपकी एज है मिनिमम वो 21 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए 37 ईयर्स, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला 40 साल है, और एससी एसटी कैटेगरी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मेल और फीमेल दोनों उनके लिए 42 साल की यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, जो मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन में यहाँ पर क्या है। ये देखिए आपका एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पर दी हुई है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जो मैंने कहा जनरल कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपए और बिहार के जो कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी और फीमेल उनके लिए 150 रुपए, बिहार राज्य की स्थायी निवासी जो फीमेल कैंडिडेट्स के उनके लिए 150 रुपए और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स उनके लिए 150 रुपए और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपए की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर मेंशन है। ये सारी चीजें हैं, देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स भी हुई हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 21 अक्टूबर 2020 और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 18 नवंबर 2020। तो ये देखिए वही डिटेल्स है जो मैंने आपको बताई थी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको दिखाया। तो ये था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑडिटर की पोस्ट की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि निकला हुआ है बिहार पंचायत ऑडिट सर्विस में। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।